तादाद है वो सिर्फ 10% है. अक्सर आपने सुना होगा कि जनानन खेस रही जॉब, लेकिन जॉब करती हैं अर्बन एरियाज में. और अगर रूरल एरियाज की बात, उनको पैसे मिलते हैं रूरल एरियाज में थेफ्ट, तो ज़मीन खरीदने का सांचे बहुत कम है. और उसके बाद मॉनेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, जिसके बदले में उनको पैसा, मुझे नहीं पता है कितने लोगों के अंदर इस औरत का उस मकान पे उस जमीन को प्रॉपर्टी खरीदेगा अगर उसने वो अपनी बेटी माँ के नाम पे नहीं करेंगी. लेकिन ऐसा नहीं होने दिया. 7 महीना पहले हमको बोला गया, 3 महीना पहले फैसला लिया गया था. जी, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले साल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया था जिसके तहत अगर किसी, जो फीमेल हैं, कश्मीरी फीमेल्स हैं, अगर उनके नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्टर की गई हो तो उसमें एक स्टैम्प ड्यूटी एग्जेम्पशन अवेलेबल था कि आपको स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं करनी है. जो ओरिजिनल रेट समवेयर अराउंड 10% थे, जो काफ़ी सिग्निफिकेंट वैल्यू है. ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए रिसेंट हिस्ट्री में एटलीस्ट पहला ऐसा स्टेप जे एंड के में लिया गया था जहाँ औरतें फोकस थी. दे वर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस पर्टिकुलर इनैक्टमेंट और ऑब्जेक्टिव ये था कि उनको फाइनेंशियली एम्पावर करें. हम कश्मीर वुमेन्स कलेक्टिव एक वॉलंट्री ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमारे पास काफ़ी ऐसे केसेस आते हैं जहां औरतों के डिस्प्यूट्स रहते हैं अपने घर वालों के साथ, अपने हस्बैंड्स के साथ, फादर्स के साथ, जहां प्रॉपर्टी बहुत रेयरली उनको दी जाती है. इनफैक्ट ऐसे भी केसेस हैं जब शादी होती है तो लड़की अपने जेवर बेच के इन्वेस्ट करते हैं, वो घर लेते हैं, लेकिन वो घर अनफॉर्चुनेटली कभी उन लेडीज़ के नाम पर रजिस्टर नहीं होते. तो ये एक ऐसा स्टेप था जो सो टू से एक इंसेंटिव सर्व करता कि ज़्यादा से ज़्यादा औरतों के नाम पर प्रॉपर्टीज़ रजिस्टर हो जाए. जी, हमारे हम प्रोसेसेस 2-3 हैं. हमारी एक सोशल मीडिया पे एक सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है, तो हमने एक डिबेट जनरेट किया है ऑन सोशल मीडिया. काफ़ी सारे लोग हैं जो इस डिबेट और डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. आज जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने एक छोटा सा प्रोटेस्ट यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है जिसमें पार्टिसिपेशन इज नॉट लिमिटेड जस्ट टू वुमेन बट ऑल्सो मैन, जिनको लगता है कि ये रेवोकेशन जो है ये कम्प्लीटली इलफाउंडेड है. अभी तक हमें जो ऑर्डर आया है उसमें लिखा है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है, पर वो पब्लिक इंटरेस्ट क्या कॉन्स्टिट्यूट करती है ये हमें अभी तक नहीं पता. कौन से स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया गया था इस डिस्कशन पे पहुंचने के लिए, ये किसी को नहीं बताया गया. तो हम ये डिबेट कंटिन्यू करेंगे जब तक कि गवर्नमेंट की तरफ से, जो इस वक्त यहाँ पे गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी तरफ से कोई रिस्पांस आता है कि क्यों किया गया ये, एंड वी वांट देम टू रोल बैक दिस रेवोकेशन. हम ये भी आपस में अभी डिबेट करें कि हम शायद एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ रेवोकेशन ऑफ दिस ऑर्डर.